बागपत में चार नेपाली जमातियों समेत पांच लोगों में कोरोना संक्रमण मिलने का मामला। डीएम बागपत शकुंतला गौतम ने रटौल गांव की सीमाओं को करवाया सील। डीएम एसपी एडीएम एएसपी सीओ समेत जिला अधिकारियों ने गांव में जाकर जायजा लिया। गांव में युद्ध स्तर पर सैनिटाइज व साफ सफाई का काम कराया जा रहा है। जिला अधिकारी बागपत द्वारा अधीनस्थ अधिकारियों को लॉकडाउन के शत प्रतिशत अनुपालन करने के निर्देश दिए गए हैं। आवश्यक वस्तुओं दूध सब्जी फल व दवाई की होम डिलीवरी कराने की भी निर्देश दिए हैं। रटौल गांव में दिल्ली की मरकज से कुछ जमाती आकर मस्जिद समेत दो स्थानों पर ठहरे थे। रटौल गांव में डीएम बागपत ने की अपील, सभी लोग अपने अपने घरों में रहें, बाहर न निकलें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और आवश्यक वस्तुएं होम डिलीवरी के माध्यम से दूध साग सब्जी फल दवाई गैस आदि पहुंचाई जाए। जिलाधिकारी ने जनपद वासियों से व रटौल गांव वालों से अपील की है कि अपने घरों में रहें, घर से बाहर न निकलें, अपने परिवार के साथ घर में सुरक्षित रहें। यह आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, इसीलिए प्रशासन द्वारा जो अपील की जा रही है इसका अनुपालन करें। लॉकडाउन का शत प्रतिशत अनुपालन करें, अपने घरों में रहें और आवश्यक वस्तुएं आपके घर तक पहुंचाई जाएंगी। जी हाँ, मैं शकुंतला गौतम जिलाधिकारी बागपत की आम जनता से महिलाओं से और सभी से अपील करना चाहती हूँ कि अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, अपने घरों में अपने परिवार के साथ रहें, अनावश्यक बाहर न निकलें। जो बैंक में किसी को यदि कोई काम है तो वो भी सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए रहें। किसी का पैसा जा नहीं रहा बैंक में, उनका जिनका पैसा जो महिलाएं हैं उनका पैसा आ गया है तो वो जो तिथियां निर्धारित की गई अलग अलग उनके नंबर्स के अनुसार जो है डेट निर्धारित की गई है उसके अनुसार वो बैंक में जाएंगे और उसके अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए ही बैंक से अपनी धनराशि निकालेंगे। अफवाहें बहुत जोरों पर चल रही हैं। नहीं, अफवाह वाले पर हमारी सर्विलांस टीम है वो काम कर रही है। दो व्यक्तियों के विरुद्ध जो है मुकदमे भी कायम किए गए सर्विलांस टीम के माध्यम से, जो किसी तरह का जो है समाज में कड़ता फैलाने की जिनके द्वारा कोशिश की गई। तो अफवाहों पर पूरी तरह से हम लोगों की नज़र है, पूरी सतर्कता बरत रहे हैं और यदि कोई अफवाह किसी तरह का फैलाता हुआ मिलेगा तो उसे कतई बख्शा नहीं जाएगा, उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।